अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। पेश खिदमत है एक और नई वीडियो के साथ। इस वक्त जो स्क्रीन पे आप गाड़ी देख रहे हैं, ये सुजुकी स्विफ्ट लेटेस्ट जनरेशन जो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी प्रोडक्शन लाइन जारी है, और पाकिस्तान ने भी इसको रिसेंटली ही पिछले साल फरवरी 2022 में लॉन्च की गई थी। सुजुकी स्विफ्ट का ये बेस वेरियंट जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम इसका रिव्यू बनाने आए हैं। और इसका जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके आप उसका रिव्यू भी आप देख सकते हैं। इसकी फ्रंट की लुक से बात करें तो इसके फ्रंट में आपको सुजुकी का एम्बलम क्रोम कलर की प्लेटिंग में मिल जाता है, और साथ ही जो इसकी एक क्रोम प्लेटेड ग्रिल है, ये भी आपको इसके साथ ही देखने को मिल जाती है। हनी क्रोम डिज़ाइन की ग्रिल आपको इसमें देखने को मिल जाती है। इसके अगर लाइट की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी बड़ी लाइट मिल जाती है, और इसमें आपको हेलोजिन का बल्ब प्रिंस माउंटेड देखने को मिल जाता है, और साथ में जो इसका इंडिकेटर बल्ब है, ये आपको भी, ये भी हेलोजिन बल्ब आपको देखने को मिल जाता है। नीचे की जानेब यहाँ पर आपको ये DRL लाइट्स हैं जो काफ़ी खूबसूरत हैं, और इसकी जो फॉग लैंप्स की ऑप्शन इसमें दी गई है अलबत्त, लेकिन इसमें फॉग लैंप्स कंपनी की तरफ से इंस्टॉल नहीं है, आप इसको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसके बम्पर की जो लिप है वो काफ़ी खूबसूरत है, और इसमें आपको ब्लैक और वाइट का कम्बिनेशन दिया गया है, और जो इसके डिफ्यूज़र है, ये इसकी ग्रिल देखने को मिल जाती है जो इसके कूलर को ठंडा रखती है, और काफ़ी खूबसूरत इसकी लुक प्रोवाइड करता है ये ब्लैक और वाइट का कम्बिनेशन। यहाँ पर आप गाड़ी ये खोल के इसको आप अपनी गाड़ी किसी के साथ टो कर सकते हैं। डायमंड कट अलॉय रिम देखने को मिल जाते हैं जो इसके साथ कंपनी से प्री इंस्टॉल मिलते हैं आपको, और इसमें जो टायर है ये आपको 16 इंच का जनरल का टायर इसमें मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी ग्रिप है इस टायर की, और इसके ऊपर ही आपको इसका साइड इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। ऊपर की जाने पाए तो यहाँ पर जो इसका मिरर है, ये आपको बॉडी कलर में ही है, और इसके साथ नीचे ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हैं जो इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाता है। यहाँ की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको ये आपको पियानो ब्लैक कलर के मटेरियल का मिलेगा, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है, और इसके आपके जो डोर हैंडल हैं वो भी आपको बॉडी कलर में ही देखने को मिल जाते हैं, और डोर के साथ यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक कलर का मटेरियल मिल जाता है, और इसका जो साइड पिछले डोर का जो साइड हैंडल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये मैट ब्लैक कलर की फिनिशिंग में मिलता है जो पिछली टेल तक जाती है। पीछे की जानेब आपको इसमें काफ़ी बड़े साइज़ की इसकी ब्रेक लैंप मिल जाती है, जो काफ़ी खूबसूरत है, और ब्रेक लगाते वक्त ये काफ़ी अच्छी लगती है, और ये LED लाइट्स आपको इसमें मिल जाती हैं, और इसके साथ जो इंडिकेटर बल्ब है वो आपको हेलोजन बल्ब इसमें मिल जाता है, और साथ ही इसका रिवर्स लाइट भी आपको उसके साथ ही प्री माउंटेड आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप स्विफ्ट की बैजिंग और साथ GL का बैज भी आपको देखने को मिल जाता है। मिड की जानेब सुजुकी का लोगो, यहाँ पर भी आपको सुजुकी का नेम आपको मिल जाती है। ऊपर की जाने पाएँ तो यहाँ पर आपको हाई माउंटेन ब्रेक लैम्प प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाता है, उसके ऊपर आपको उसकी छत पे ही आपको रूफ पे आपको एंटीना देखने को मिल जाता है, और ये जो है इसका वॉशर है, और सबसे अच्छी बात पाकिस्तान मेड गाड़ियों की कि इसमें आपको पीछे बैक वाइपर भी देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। इससे पहले गाड़ियों में नहीं आता था, लेकिन अब पाकिस्तान की गाड़ियों में जो बनने वाली है उसमें कुछ गाड़ियों में ये वाइपर आ जाता है। ये पहले इंटरनेशनल गाड़ियों की जो आती थी, जापानीज गाड़ी के लिए या किया की गाड़ियों की, उनके ही पीछे आता था। बैग में आपको डिफोकर मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको ब्लैक कलर का एक मटेरियल देखने को मिल जाता है। मफलर दिया गया है जो सिर्फ एक आर्टिफिशियल है, लेकिन इसका जो मफलर है वो यहाँ पर है इसका, ये भी आपको क्रोम कलर की मटेरियल में देखने को मिल जाता है। स्मार्ट ट्रंक दिया गया है जिसको आप वन टाइम प्रेस करेंगे तो इसका जो पिछले जो बूढ़ा ही आर्ट खुल जाता है, और इसमें भी आपको स्पेस बढ़ाने के लिए बूट सेपरेटर दिया गया है कि यहाँ से अगर ये हटाते हैं तो इसकी स्पेस मज़ीद बढ़ जाती है, और इसके यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी स्पेस है, यहाँ पर आप दो बड़े बैग रख सकते हैं। पीछे की जानेब आपको यहाँ पर भी एक लैंप दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है, जो जापानीज गाड़ियों में ही देखने को मिलता था, लेकिन खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तानी गाड़ियों में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी कारामद चीज़ें हैं ये, रात के टाइम ये आपको यहाँ पर कुछ पड़ा हो तो साफ क्लियर नज़र आता है। और नीचे की जानेब आपको इसमें जो टूल्स हैं, नेसेसरी टूल्स दे दी गई हैं। इसमें आपको टायर अलबत्त नहीं दिया जाता, लेकिन इसमें आपको तमाम नेसेसरी टूल्स देखने को मिल जाती हैं। अगर कहीं आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो इसमें आपको
इसमें टायर फ्यूलेट और इसमें आपको एयर पंप दिया जाता है, जिसको आप अपने गाड़ी में इसका जो प्लग है वो लगाकर आप इसकी टायर की हवा भर सकते हैं, जो आपको किसी भी सात टायर शॉप पे पहुँचा कर आप अपने वहाँ पर टायर का पंचर लगवा सकते हैं। 60-40 का स्प्लिट है इस गाड़ी में। अगर आप मज़ीद स्पेस आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये बूट सेपरेटर हटा के आप इसको यहीं से ही इसको 60-40 का स्प्लिट आप कर सकते हैं। 60-40 का स्प्लिट इसमें आपको मिल जाता है, जिसको आप मज़ीद डाउन कर अपनी जो चीज़ें हैं इसमें आप ले जा सकते हैं। कोई आपने बड़ी चीज़ ले जानी हो तो आप इसको डाउन करके अपनी चीज़ कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं। गाड़ी में एंटर होने के लिए कंपनी की तरफ से आपको इसमें गाड़ी की आपको दो एम्बुलेंसर की भी देखने को मिल जाती हैं। ये वाकई में एम्बुलेंसर की हैं, इसमें कोई बुलाने की तरह वाला सिस्टम नहीं है। इसको गाड़ी में एंटर होने के लिए इसको आप अनलॉक करेंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, और उसके बाद हम गाड़ी में इंटीरियर में जाके देखते हैं कि इंटीरियर में कौन कौन सी खासियत है। बात करें तो गाड़ी में आपको हॉट प्लास्टिक देखने को मिल जाती है, और इसका जो लैच है वो भी आपको ब्लैक कलर का ही देखने को मिल जाता है, और चारों जो विंडोज़ हैं इसकी पावर हैं। जस्ट ड्राइवर जो है वो ऑटो है, और बाकी जो है वो पावर विंडोज़ हैं। और इसका जो है सेंटर कंट्रोल लॉकिंग इसमें आपको मिल जाती है, इसमें आपको मिरर लॉक मिल जाता है, उसमें आपको यहाँ से रिट्रैक्टेबल मिरर की कंट्रोल भी देखने को मिल जाती हैं। नीचे की जाने पाएँ तो यहाँ पर आप 500 ml की बॉटल की स्पेस आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको कोई स्पेस मिल जाती है जिसमें आप अपनी फाइल वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक अदद स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पर जो एक कुछ नहीं की है सॉफ्ट पैडिंग सॉफ्ट कुछ नहीं की गई है, आमरेस के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको जो प्लास्टिक दी गई है, लेकिन इसका जो कलर है वो ग्रेइश है। सीट की बात कर लें तो इसमें आपको सीट की कुशनिंग काफ़ी सॉफ्ट है, नो डाउट काफ़ी सॉफ्ट कुशनिंग है इसकी, और ये आपको फोर वे एडजस्टेबल सीट्स इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। गाड़ी में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन भी दी गई है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें आपको 3 spokes स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। मेड में आपको सुजुकी का क्रोम कलर का हेमरन, और साथ में आपको एक क्रोम कलर का रिंग भी देखने को मिल जाता है, जो इसके स्टीयरिंग व्हील की खूबसूरती को बढ़ाता है। मटेरियल्स का सॉफ्ट मटेरियल्स में इस्तेमाल किया गया है, और पावर स्टीयरिंग है, और इसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसको अपनी मर्जी के मुताबिक अप एंड डाउन कर सकते हैं। टिल्ट स्टीयरिंग व्हील है इसका, और इसके नीचे की जानेब आपको इसके इंडिकेटर नॉब्स की कंट्रोल मिल जाते हैं, और लाइट्स के कंट्रोल भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और इस तरफ आए तो आपको यहाँ पर इसके वाइपर के कंट्रोल भी देखने को मिल जाते हैं, और इसी यहीं से ही आपका इसका बैक वाइपर भी कंट्रोल होगा। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आप इसकी कीज़ को इग्निशन स्विच में डालेंगे। इसमें पुश स्टार्ट नहीं दिया जाता, मतलब टॉप ऑफ द लाइन मॉडल में आपको पुश स्टार्ट दिया जाता है। और जब गाड़ी को आप स्टार्ट करते हैं तो ये आपको इस तरह की लाइट शो करता है, वेलकम लाइट शो करता है, जो काफ़ी खूबसूरत लगती है। और इसमें आपको 3.5 इंच की TFT स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको तमाम नेसेसरी ऑप्शंस आपको शो करता है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको कोई मल्टीमीडिया कंट्रोल्स नहीं मिलते। इस तरफ आप देखें तो यहाँ पर RPM मीटर भी आपको मिल जाता है, और इसमें साथ आपको ऑयल चेक लाइट, उसके ऊपर आपको बैटरी की इंडिकेशन भी बता रहे हैं, ऊपर आपको इंजन चेक लाइट भी आपको बता रहा है, और यहाँ पर आपको हीट एंड कूल की ऑप्शन भी बता रहा है। 8000 RPM पे इसका 8000 राउंड पर मिनट पे इसका RPM जाता है। मिनट की जाने पाए तो सबसे ऊपर आपको हैंड ब्रेक की ऑप्शन भी शो कर रहा है, साथ इसमें स्टेयरिंग का ऑप्शन शो कर रहा है, साथ में आपको फ्यूल की ऑप्शन भी दिखा रहा है। और इसके अंदर मजीद भी ऑप्शन ऐसी हैं जो गाड़ी के वक्त के साथ साथ आपको शो होती हैं, जो डिजिटल इसमें आपको फ्यूल गेज मिल जाता है, और इसमें बता देता है आपकी गाड़ी कितनी किलोमीटर चली है, ऊपर की जगह आपको टाइमिंग भी देखने को मिल जाती है। इस जाने पाएँ तो आपको स्टीयरिंग के AC वेंट भी मिल जाते हैं, वो अच्छी क्वालिटी की स्टीयरिंग भी AC वेंट है, कोई इसमें नॉर्मल क्वालिटी नहीं मिलती। और यहाँ के जो AC वेंट भी आपको मिल जाते हैं, ये भी राउंड शेप है, उसके साथ ही आपको क्रोम कलर की लाइनिंग देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी खूबसूरत बनाती है इसके AC वेंट को। मेड में आपको हैज़ल लाइट का बटन देखने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्स में आपको भी आपको अच्छी स्पेस देखने को मिल जाती है, इसके अंदर आपको ऑक्स केबल और मुख्तलिफ USB केबल्स भी इसके अंदर आपको मिल जाती हैं, आप अपना मोबाइल फ़ोन इससे कनेक्ट कर सकते हैं। ऊपर की जानेब यहाँ पर आपको हैंडल बार देखने को मिल जाती हैं। पैसेंजर साइड में आपको वैनिटी मीटर दिया जाता है,
असल नज़र में आपको ड्राइवर की तरफ ही आपको वैनिटी मिरर दिया जाता है। आपको एंड्रॉयड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, इसमें आप अपना मोबाइल, उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। नीचे की जानेब आएँ तो आपको यहाँ पर डिफोगर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एसी का बटन है और इसके जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो आपको एनालॉग मिलेगा। डिजिटल जो है वो जस्ट आपको टॉप ऑफ द लाइन मॉडल में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप एसी कंट्रोल कर सकते हैं, एसी की थ्रो काफ़ी अच्छी है इसकी। सिंगल क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ इसमें मिल जाता है। यहाँ पर आपको हीट कूल कर सकते हैं। नीचे की जानेब आप इसमें 12W 120W का प्लग इन सॉकेट आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर आपको एक स्टोरेज मिल जाती है और यहाँ पर आप पर दो अदद का फोल्डर भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सीवीटी ट्रांसमिशन इसमें इंस्टॉल की गई है। फाइव ग्रेड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें इंस्टॉल की गई है और साथ इसकी खूबसूरती के बढ़ने के लिए यहाँ पर आपको क्रोम की लाइनिंग भी देखने को मिल जाती है। मज़ीद नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है। मैनुअल हैंड ब्रेक इसमें दी गई है, उसके ऊपर आपको खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसमें आपको क्रोम कलर की जो इसका नॉब है वो दिया गया है, जिसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। ये आपको जो मिरर दिया गया है ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ऑटो मिरर नहीं दिया गया, इसको आप मैनुअली एडजस्ट करेंगे। यहाँ से बैक सीट में एंटर होने के लिए आपको यहाँ पर इसका लैच दिया गया है। अनकन्वेंशनल जगह है लेकिन काफ़ी स्टाइलिश और स्पोर्टी है। बैक डोर की बात करें तो बैक डोर में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एक 500 ml की बोतल की स्पेस मिल जाती है। साथ में स्पीकर भी आपको देखने को मिल जाता है। आई एम 6 feet और मेरे पास अभी भी थोड़ा सा स्पेस है और मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मैं इसमें कोई तंग फील नहीं कर रहा। नीचे की जानब आपको थोड़ा सा हम देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको पीछे आपको ग्लास होल्डर भी देखने को मिल जाता है। बैक सीट की बात करें मज़ीद तो आपको यहाँ इसमें 3 headrests देखने को मिल जाते हैं। इसमें ये 3 बंदों के लिए बनाई गई है और काफ़ी हकीकत है कहूँ तो ये 3 बंदों के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है। मिड की जानेब आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं देखने को मिलता, ना ही फ्रंट पे मिलता है और ना ही आपको बैक में मिलता है। इसमें आपको 3 seat belts देखने को मिल जाती हैं जो काफ़ी अच्छी बात है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस जो स्विफ्ट का जो स्टार्टिंग वेरिएंट है जो बिल्कुल स्टार्ट से शुरू होता है, ये आपको 2 airbags देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको EBS और इसमें आपको ESP मिल जाता है और इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है, जो इस पैकेज में एक अच्छा ऑप्शन है। जिस कीमत की ये गाड़ी है उसके मुताबिक ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और इसकी गाड़ी के लोग के लिहाज से ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन आपको मिल जाता है। अलबत्त इसके टॉप ऑफ द लाइन मॉडल में काफ़ी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये क्योंकि इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है और मैनुअल वेरिएंट है तो इसमें आपको ऑप्शन थोड़े से कट कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको 2 airbags मिलते हैं तो ये इट्स नॉट अ बैड डील। और इसमें आपको ABS और EPS स्टैंडर्ड है, 3 वेरिएंट है, इसके तीनों वेरिएंट में आपको ये स्टैंडर्ड मिलेंगे और 2 airbags भी आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे। तो ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें है ही है, ये भी आपका एक सेफ्टी फीचर्स है। चलते हैं अब इसके इंजन की तरफ, देखते हैं कि इसके इंजन में इसमें क्या क्या खसूसियात हैं। इंजन का हुड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर इसका एक लैच दिया गया है, इसको आप जब प्रेस करते हैं तो इसका इंजन का हुड ओपन हो जाता है। कि स्विफ्ट में K20M सीरीज़ का इंजन इंस्टॉल्ड है जो 1.2 cc 5-speed ऑटोमेटिक डुअल ओवर हेड कैमशाफ्ट 16W इंजन है जो 82-86 horsepower बनाता है 6000 rpm मीटर पे और 108-113 Nm टॉर्क बनाता है 4000 rpm पर। फ्यूल एवरेज की बात कर लें तो कंपनी के रिकमेंडेशन के मुताबिक इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो 14-15 km/L है। सो व्यूअर्स, ये था सुजुकी स्विफ्ट GL स्टैंडर्ड वेजर का रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वक्त 2023 जनवरी में सुजुकी स्विफ्ट GL की जो इनवाइस प्राइस वो 31,80,000 रुपये है, जी 31,80,000 रुपीज़। मज़ीद मालूमात और बुकिंग के लिए नीचे गए दिए नंबर्स पर रब्ता करें। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे रिव्यू के साथ। अपने और अपने गिर्दनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।